कौन सी कॉल्स होंगी आपकी और क्या इंडेक्स पर आप भी एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है, बट जहां तक प्रॉब्लम यही है कि जो लार्ज हैवी वेट्स है, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, इन सब में काफी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुआ है, तो बाउंस बैक भी रहेगा. तो जब तक इनमें बाउंस नहीं आता, बाउंस एक फीबल रह सकता है. सो व्यू यही है जो पहले लास्ट कुछ दिनों से है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और वहीं पे मैं रिकमेंडेशन दूंगा. सबसे पहले बाय है एक्सिस बैंक, स्टॉप लॉस 780, टारगेट 850. अगर एक्सिस बैंक देखे तो लास्ट प्री कोविड में भी 800 रुपए का टॉप हुआ करता था. लास्ट एक डेढ़ साल फरवरी 2021 भी अराउंड 800, और अक्टूबर 2021 में भी अराउंड 800-850 का टॉप बना है, और फाइनली अब ये लीडरशिप स्टेज ले रहा है बैंकिंग स्पेस में. एसबीआई और आईसीआईसीआई क्लियर लीडर्स रहे जिसने लास्ट एक साल में फिर 2021 से भी अच्छे रिटर्न्स दिए, रेस्ट ऑफ द बैंकिंग स्पेस ने नहीं दिया, और अब एक्सिस बैंक भी वहीं पे पहुंच चुका है. सो मेरा मानना है ये इवेंचुअली मीडियम टर्म में 1200 भी हो सकता है. सो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा मोमेंटम के लिए, अबाउ 810, स्टॉप लॉस 780. सेकेंड है बाई कोरोमंडल इंटरनेशनल. अगर हम देखें तो लास्ट एक महीने में जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, चाहे वो जीएनएफसी हो या आरसीएफ हो या जीएसएफसी हो, मैंगलोर केमिकल्स, जुआरी एक्सेट्रा, सबने एक अच्छा मूव दिया है. ब्रेकआउट मूव हुए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुए काफी में, और कोरोमंडल जो लार्जेस्ट प्लेयर है उसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया. लास्ट इसने एक मूव बनाया था 870 तक, जब प्रीवियस मूव स्टार्ट हुआ था फर्टिलाइजर्स में, और कल ये फिर से आ गया 855-860 तक. 870 के ऊपर एक ब्रेकआउट होगा और टारगेट प्राइस होगा 950, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है. और लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा बाय ऑन महिंद्रा हॉलीडेज, और जो मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ कि ओपनिंग अप थीम जो है वो एक बेस्ट थीम है, क्योंकि ये जो थीम है अगर हम देखें तो काफी स्टॉक्स 15-15 साल बाद, 10-10 साल बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं. तो जैसे महिंद्रा हॉलीडेज 2010 में भी 240-250 रुपए हुआ करता था, 2016-17-18, 2020-2021, कम से कम लास्ट 10 साल में 10 बार ये 250-60 के आसपास आकर टॉप बनाया हुआ है, और सब नीचे में 60-80 गया हुआ है. सो एक 12 साल के बाद का ब्रेकआउट है, और कल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस एंड वॉल्यूम बेस्ड मोमेंटम भी हुआ है. तो मैं कंटिन्यू करूंगा इस पर रिकमेंडेशन बाय का, और मीडियम टर्म टारगेट होगा 350, स्टॉप लॉस 240. राइट.